मैं इस 11वीं सदी को हर साल गड़बड़ा में बनाया जाता है और हर समाज के लोग वहाँ जुटते हैं, वहाँ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। और क्या दुआ करते हैं इस दिन? बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के सभी अमन चैन, सब जात के लोग अमन चैन से रहे, भाईचारा बना के रहे, यही हम लोग दुआ करते हैं। और फिलिस्तीन और इसराइल जो जंग हो रही है, हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जंग को रुके, सब अपना लोग जो बेघर से दोनों बेघर लोग हैं वो सबको शांति बनाए रखिए, बनाए रहे, लोग सही आत्मा शांति, आत्मा शांति के लिए हम लोग यही दुआ कर रहे हैं। हर जुमा में दुआ होती है, कल भी हम लोग दुआ करेंगे, वहाँ सौदे में करबला में दुआ होगी उनके लिए। कहाँ पे हुआ सारा चीज? एक सौदे करबला बिष्टुपुर में दुआ हुई। अपना नाम फिर से बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सुबैद है, मैं समाज सेवी। मेरा नाम अब्बास अंसारी है, हम सौदाए करबला कमेटी के महासचिव हैं। तेज बोले। और आज अब्बास अंसारी है, मैं महासचिव सौदाए करबला कमेटी का महासचिव हूं। और ये हमारे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी करबला कमेटी के अराकीन मेंबर और अहदेदार हैं। आज मुकामे करबला में हर साल की तरह इस साल भी पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म का फातिहा खानी हम लोग मुकामे करबला में करते हैं। आज का ये कार्यक्रम जो है दोपहर में 2 बजे से कुरान खानी का एहतमाम किया गया, कुरान खानी के बाद फातिहा खानी हुई, दरूद व सलाम पेश किया गया और उसके बाद लंगर आम किया गया। ये गौस आज़म का 11वीं शरीफ का महीना, पूरे महीना में पूरे मुस्लिम समुदाय सिर्फ देश में ही नहीं पूरे संसार में इनके चाहने वाले इनके अकीदतमंद लोग मनाते हैं। इसी अवसर पर हम लोग करबला में भी हर साल उनके नाम में फातिहा खानी और लंगर का एहतमाम करते हैं। तो इस दौरान अल्लाह का दुआ था जो सामूहिक दुआ हम लोग गौसे आज़म के हवाले से, दुआ तो जो भी मांगते हैं हम लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं, लेकिन हमारे पीराने पीर जो बुज़ुर्ग हैं उनके वास्ता और सौदाए करबला शहीद आज़म के वास्ता को देते हुए तमाम मुल्क में अमन शांति चैन के लिए दुआ किए। साथ ही जो फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग हो रहा है उसके शांति और जंग पे मांग करने के लिए अल्लाह ताला से हम दुआ मांगे। कोई फातिहा खाने के बाद लंगर आम हुआ, लंगर में सभी धर्म के लोग इस धर्म लंगर में शामिल हुए, कम से कम 1100-1200 लोग लंगर का ग्रहण किया।